विदिशा नगर के बैंक के बंद होने से उपभोक्ता परेशान नजर आए। बताया जा रहा है कि बैंकों के निजीकरण के विरोध स्वरूप यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के राष्ट्रीय आह्वान पर सोमवार से बैंकों की दो दिवसीय हड़ताल शुरू हुई, जिसका असर पठारी में भी देखने को मिला। बैंकों के शनिवार रविवार को साप्ताहिक अवकाश के बाद सोमवार एवं मंगलवार दो दिवसीय हड़ताल शुरू हुई, जिसके चलते मंगलवार तक चार दिन तक बंद रहने से बैंक का कामकाज ठप पड़ गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा बैंकों को निजीकरण में सौंपने की तैयारी को देखते हुए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों ने निजीकरण का विरोध करते हुए बैंकों में दो दिवसीय हड़ताल की है। इस हड़ताल में नगर की सभी बैंकें पूरी तरह बंद रहीं, जिससे बैंकों के काम से आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। साथ ही बैंकों के बंद रहने से बैंक उपभोक्ताओं में भी लेन देन को लेकर मायूसी छाई रही। इस हड़ताल से लोगों को काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी और उपभोक्ता परेशान होते नजर आए। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।